नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं, अभिवादन करती हूं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर यानी एंटीलिया के बाहर से बरामदी विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मामले में एनआईए ने आज दो बार लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के मलाड़ के कुरार गाँव से पकड़े गए इन लोगों पर मामले की गिरफ्तार पूर्व एपीआई सचिन विजय तक जेलेटिन की छड़ों को पहुंचाने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों संतोष शोलार और अनंत जाधव को मंगलवार को यानी कि आज स्थानीय एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने इन्हें 21 जून तक के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। स्कॉर्पियो विस्फोटक बरामदगी मामले में एनआईए की ये सातवीं गिरफ्तारी है। इससे पहले सचिन विजय, रियाज काजी, पूर्व इंस्पेक्टर सुनील माने, पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे और क्रिकेट बुकी नरेश गोरे को अरेस्ट किया गया था और उन्हें मनसुख हिरेन की हत्या में भी संतोष शेलार और अनंत जाधव का हाथ होने का शक है। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है। 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई के पैडर रोड स्थित एंटीलिया से 300 मीटर की दूरी पर विस्फोटक से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी। कार में 20 जेलेटिन की छड़े थी और एक धमकी भरा पत्र था। 5 मार्च को इसके मालिक मनसुख हिरेन का शव रेती बदर की खाड़ी से बरामद हुआ था, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया था और दो लोगों को अरेस्ट किया था। इसके बाद इस केस में एनआईए की एंट्री हुई और 13 मार्च को सचिन विजय को अरेस्ट कर लिया गया था। इस केस की 3 लेवल पे जांच चल रही थी। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक बरामद होने के मामले में 3 अलग अलग केस दर्ज हुए हैं। 3 केसों की जांच की मौजूदा जो स्थिति है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहला केस मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो चोरी होने का है, जिसमें मुंबई की कामा देवी पुलिस जांच कर रही है। दूसरा केस अंबानी के घर के बाहर बरामद हुई जेलेटिन से भरी स्कॉर्पियो का है, इसकी जांच एनआईए के हाथ में है और इस केस में सचिन विजय को अरेस्ट किया गया है। तीसरा केस स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या का है, इस केस में महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है और अब थाने कोर्ट के आदेश के बाद इस केस को एनआईए को ट्रांसफर किया गया है। हालांकि एटीएस ने अभी तक इस केस को बंद करने का कोई आधिकारिक अपनी तरफ से ऐलान नहीं किया। तो ये थी खबर। बहुत दिनों के बाद एक और अरेस्टिंग हुई है उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर यानी एंटीलिया के बाहर जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी और उसके बाद जैसे जैसे घटनाक्रम होता चला गया इसमें इसमें सचिन विजय को अरेस्ट किया गया, इसमें पूर्व इंस्पेक्टर सुनील माने और पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे को और क्रिकेट बुकी नरेश गोरे को भी अरेस्ट किया गया। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए एमबी स्पीक्स और देते रहिए अपनी कीमती राय मेरे कमेंट बॉक्स में और किसी अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँगी आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।